वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। मैं तो बड़े इतमान नाल बैठा सी, मैनू ख्याल सी मेरी वारी थोड़ी अटक के आएगी। आई हैव बिन कॉट अनअवेयर। अज असी सब तो पहले तो मैं बाबा जी संत बाबा अमीर सिंह होरां दा धन्यवादी हाँ कि उन्होंने सानू सारिआं नू अज एक ऐसे अजद जरूरी विषय ते गोष्ठी करन लई सब नू इकट्ठे कीता है, जिसका फॉरमैट इस किस्म का ही होना चाहिए है जिस तरीके नाल असीं गल शुरू कीती है। गुरु नानक पातशाह दा 550वां पुरब अगले वरे है। आरंभक समागम मैं समझदा शुरू हो गए ने, इस दे सेमिनार दे नाल एक नेक शुरुआत हुई है। मैं अपनी अल्प बुद्धि अनुसार जो महसूस करदा, बड़े प्रबुद्ध विद्वान, बहुत वड्डियां धार्मिक शख्सियतां मंच ते और संगत विच विराजमान हन। मैं बहुत झिझक दे नाल कुछ गल्लां तुहाडे नाल सांझियां करनियां चाहुंदा हाँ। सब तो पहली गल तो यह है कि जिहड़ा 550वां जिहड़ा पुरब मना रहे हैं, तो पिछले 400 वरे कह लो या 400 तो वध साल का जिहड़ा समा गुरु नानक पातशाह तो बाद दा जा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नू गुरगद्दी देन तो बाद दा जिहड़ा समा, उस लंबे समय विच गुरु नानक नू समझण विच कुताइयां किथे किथे सातों होईयां। और गुरु नानक महाराज नू समझण तो भाव शब्द नू समझण तो बड़ा लम्मा सफर है। मैं हुणे ही डॉक्टर साहब नाल गल कर रहा सी, डॉक्टर जसपाल सिंह होरां नाल सिद्धां दी गोष्ठी मैं समझदा बड़ा पहला कॉन्शियस लैवल दा संवाद है गुरु महाराज दा, जिथों गोष्ठी दा आरंभ हुंदा है विचारधारक तौर ते। और वो गोष्ठी गुरु महाराज सिद्धां दे नाल जाके करदे ने, ते सिद्धो ने जिन्हां 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 ने उस तो पहला वेदां सिमृतियां सारियां दे विच वो पूरी तरह अपने आप नूं प्रकप समझदे सी, और इत्थों संसार तो निर्लेप होर के अपनी आराधना विच जुड़े हुए सी। उन्हां नाल पहली गोष्ठी गुरु नानक पातशाह करदे ने। पहला तां सिद्धां नूं इहो गल चंगी नहीं लगी भी इह कौण है जिहड़ा इन्नी दूरों चल के आ के इस पद्धर दी गोष्ठी साडे नाल करन दी हिम्मत जां उपराला कीता है। और सारे सिद्ध जिहड़े ने उह जदों सुभायमान हो गए ते गुरु महाराज नूं पहला कहा भी तुसी अपनी जानकारी तो दिओ ना, कौन हो तुसी जिहड़े एडे एडे वड्डे सिद्धां दे नाल गोष्ठी रचाउण वास्ते आए हो, कवन गुरु जिसका तू चेला, इंट्रोड्यूस योर सैल्फ, कौन हो तुसी। ते महाराज अपने आप नू अपनी पहचान जिहड़ी है वो दिंदे ने शब्द गुरु सुरत धुन चेला।
शब्द की स्थापना, शब्द का सिख सुरती नाल रिश्ता सुमेल, ये विधिवत तरीके दे नाल एक कॉन्शियस लैवल ते गुरु नानक पातशाह सुमेर पर्बत ते स्थापित करदे ने। उस तो बाद दे जिन्ने सवाल जवाब ने, सवाल भी बड़े कटू हन और जवाब भी एक पूरे ख्याल नू, एक जवाब एक पूरे फलसफे नू परिभाषित करदा है। शब्द नू सिद्ध जड़े ने वो क्वेश्चन करदे ने, शब्द की समर्था नू क्वेश्चन करदे ने। मिसाल दे तौर ते सिद्धां दा यह कहना भई ये जड़ा पवजल है इस चों पार लंघन विच शब्द किवें मदद कर सकता है, शब्द किवें सहाई हुंदा है। ते गुरु महाराज व्याख्या करके दसदे ने भी शब्द किवें सहाई हुंदा है। होर जिन्हां ने सिद्ध गोष्ठी दे बारीकी नाल दर्शन कीते ने, अध्ययन कीता, वो इस गल दी शाद ही भरनगे कि किड्डा सख्त और इंटेलीजेंट संवाद सी सिद्ध गोष्ठी। उतों शब्द का सफर शुरू होंदा है। लगभग 215 वरिया बाद शब्द नू, शब्द गुरु नू दसम पातशाह हजूर गुरगद्दी दिंदे ने। जिन्हें गुरु साहिबान महाराज की बाणी गुरु ग्रंथ साहब महाराज शोभित है वो भी शब्द नू परिभाषित करते हैं। जिन्हां संतां महापुरशां की बाणी है वो भी शब्द की मर्यादा नू परिभाषित करते हैं। और बाणी उन्हां महापुरशां की, संतां की, सूफियां की वो बाणी चुड़ी गई जेड़ी उस पद्धति ते जेड़ी गुरु महाराज ने बयान की, शब्द गुरु सुरत धुन चेला, जिसकी डेफिनेशन उन्हें पैरामीटर अंदर अंदर आती है, वो शब्द जेड़े ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज विच सुभायमान होए। और विजडम मैं समझदा भी सब दा सांझा गुरु नानक के गुरु ग्रंथ साहब महाराज विच बैठ के बाबा फरीद इस्लाम नू मनन वालिया नू प्रेरणा करते हैं। फरीदा बे नमाजा कुत्या ए न भली रीत, कभी चल ना आयो पंजे वक्त मसीत। ये तुहानू होर किसे धर्म दे पुरातन ग्रंथ या स्क्रिप्चर च इस किस्म दी विजडम नहीं तुहानू मिलेगी। अज असी 2019 विच पहुँच गए हैं। मैं हुणी गल कर रहा सी कि असी ऐसे एक दौर विचों गुजर रहे हैं जिथे गुरु नानक नू मनन वालियां लई भी बहुत वड्डियां चुनौतियां ने, ते शब्द दी मर्यादा नू भी बहुत वड्डी चुनौती है। मैं जे कहां कि जेडे सुमेर पर्बत दे सिद्ध बैठे सी, जेडी पहली विचार चर्चा उत्थे होई, वो सिद्धां दे जेडे वारस ने ना हुण, द डिसेंडेंट्स ऑफ सिद्धाज, वो हुण नागपुर च बैठे ने। कॉन्शियस लैवल ते इस गल नू समझण दी जरूरत है। जे गुरु नानक पातशाह दे समकाली बाबर, जे बाबर दी मस्जिद मिटा के उन्हां दीआं पैड़ां मिटा के उत्थे एक मंदिर दी स्थापना दी गल सारे देश विच बड़े जोर नाल चल रही है, ते एक हवा ऐसी पूरे देश विच चल रही है जिन्हों घट गिणतियां कौमां वास्ते समझना बहुत जरूरी है। ते जेड़े बाबर नू नहीं भुले
वह गोष्ठी नूं भी नहीं भुले, वह शब्द की स्थापना नूं भी नहीं भुले, क्योंकि जेडे सवाल जवाब गुरु नानक पातशाह ने किए ने उस ईसेंस नूं चैलेंज किया जिहड़ा सदियां तो पहला एस्टैबलिश्ड सीगा। इस करके गुरु ग्रंथ साहब ते हमला, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी है, सरूपां की चोरी है, गुरु महाराज दियां दी अंगां दा लीरो लीर होना, गलियां विच खंडाए जाना, दरअसल इस हमला शब्द की मर्यादा ते है। वो लोग वेखना चाहते ने कि शब्द नालों सिख की सुरती किन्नी टुट चुकी है या किन्नी कु जुड़ी हुई है। जे साडी सुरती शब्द नाल जुड़ी नहीं है तो फिर असी गुरु नानक महाराज नाल जुड़े ही नहीं। जिस पासे गुरु नानक पातशाह ने सारे संसार नूं तोरिया है, तो जे साडी सुरती शब्द नाल सुर नहीं हुई, एक सुर नहीं हुई, तो मैं समझदा कि असी बड़ी अजीब किस्म की जिंदगी जिहड़ी है वो अलग थलग हालात विच जीव रहे। एक मैं अर्ज करा, पिछे मैं आर्टिकल लिखा सी कि श्री गुरु नानक महाराज की पंजवीं उदासी, आम तौर पर चार उदासियों का जिक्र है। डॉक्टर धर्म सिंह होरां ने इकबाल का जिक्र किया है, उन्होंने बड़ी अच्छी गुरु नानक पातशाह बारे जिस नज़म का इन्होंने जिक्र किया, फिर उठी आकर सदा तौहीद की पंजाब से हिंद को एक मर्द कामल ने जगाया ख्वाब से। मैं इस्लामिक इंसो पीडिया पढ़ रहा सी, इंसाइक्लोपीडिया, उहदे विच एक एंट्री हैगी है जिहदे विच हल्का जिहा शक जाहर करदे ने डॉक्टर इकबाल कि शायद गुरु नानक पातशाह मक्के मदीने नहीं सन गए, बगदाद नहीं सन गए। तो अगे वो आर्गूमेंट्स दिंदे ने कि उन्हां नूं तां वो भाषा आउंदी ही नहीं सी जिहड़ी लोग उत्थे बोलदे सन, इसलिए फिर वो संवाद जिहड़ा हैगा उन्हां लोकां नाल किहड़ी भाषा विच होया होएगा। मैं दो मिनट लैके अर्ज करनी चाहुंदा, दो तीन वरे होए मैनू कीनिया जाण दा मौका मिलिया, नैरोबी तो मंबासा जो शाहराह हैगी है मंबासा बंदरगाह नूं जांदी, उत्थे गुरुद्वारा साहब ने मकिंडू साहब, सिख बच्चों का एक कैंप सी 15 दिनों का, तो मैनू उत्थे बुलाया संगत ने, मैं बच्चों के उस कैंप शमूलीयत करन गया। उत्थे एक सिख परिवार उगांडा तो आया हुआ सी, उन्होंने खंड पाठ साहब का प्रकाश कराया हुआ सी, मेरा उन्होंने पता लगे मैं आया तो मेरे पास आए, मैं कह लगे कल खंड पाठ साहब का भोग है तो तुसी सवेरे जरूर आना, तो दो शब्द भी कहने। तो मैं जो उस समागम च गया तो उहदे च कोई 15-20 लोग जिहड़े सी अफ्रीकन मूल दे बैठे सन, कालियां दस्तारां सजाइयां होईयां सी उन्होंने अफ्रीकन स्टाइल दियां, 10-12 बीबियां सी उन्होंने सिर ते पटके बन्ने हुए सी, सिर टके हुए सी। ते जदों मैं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह कही तो उन्होंने बड़ा गज के जवाब दिता, मैनू बड़ी हैरानी हुई। होर भी एक दो गल्लां मैं अपने भाषण च कहियां ते उन्हां दे इशारियां तो उन्हां दियां नज़रां तो मैनू इंज लग रहा सी भी जिवें कोई एक कम्यूनीकेशन इन्हां तक कपड़ रही है। तो बाद जदों समागम खत्म हो गया तो मैं उस सिख परिवार उन्होंने मुखी नूं कहा भी इन्हां नाल मैं मिलना चाहुंदा, मैनूं बड़ी खुशी हुई इन्हां नूं देख के। तो वह सुहेली भाषा बोलदे सी, तो मैं उन्हां नूं सवाल जवाब मैं अपनी भाषा च करदा रहा, तो वह सरदार साहब सुहेली च उन्हां नूं करदे फिर वह जवाब दिंदे। मैं इन्हां नूं पुछिया भी तुसीं किहड़े रब नूं मंनदे हो, तो उन्हां दा जवाब सी भई असीं तां मुंगू नानका दे पैरोकार हाँ। मुंगू नानका, मुंगू सुहेली च रब नूं आखदे ने, भई साडा रब नानक है। किहड़ी जगह तो आए हो? वो कहिंदे जी भूमि नानका, भूमि नानका एक उत्थे परगणा हैगा,
उगांडा विच। ते फिर उन्होंने दसिया भी किसे समय गुरु नानक पातशाह उत्थे आए सी, उत्थे पानी दी बड़ी थोड़ सी, पानी बड़ा कुसैला सीगा, ते गुरु महाराज ने उत्थे आके एक चश्मा प्रगट किया, ते हुण उस इलाके विच मिठा पानी है। ते जिहड़ा चश्मा प्रगट किया उस दे विचों लोग प्रसाद वांग शीशियां च पानी दा प्रसाद लै जांदे ने, ते असाद रोग दे रोगियां नूं शफा मिलदी है। उस पानी दी दुरवरतों नहीं करन दिंदे, इन्ना अदब है। और ये भी उन्होंने मैंने दस्या भी साडा जिहड़ा बादशाह जदों गद्दी ते बैठदा है ते पहला उस जल दी चरनामत लैके उस तो बाद वो अपना कलमदान संभालदा हैगा। स्थान दा नां है भूमि नानका। मैं कहा फिर जाना चाहिए, तो मैं कुछ दिन बाद ही लैके वीज़ा मैं उस परिवार नूं नाल लैके विजिट किया जी। उगांडा की राजधानी तो यह सुडान वाली तरफ से कोई 40 किलोमीटर से स्थान है जिथे महाराज ने विजिट किया। गालबन ए 18-19 दे नेड़े तेड़े महाराज की उत्थे ठहर हैगी है। हुण तुसी देखो कित्थे कीनिया, कित्थे तंजानिया, ते कित्थे उगांडा, कित्थे भूमि नानका। और भूमि भूमि नानका भूमि कहिंदे ने ब्रैसलेट नूं उहनां दी जुबान च। ते महाराज ने एक सिमरना उत्थों दे किंग नूं जदों वह पानी का चश्मा प्रगट किया, फिर किंग दर्शना लिया है महाराज दे, ते महाराज ने उहनूं प्यार दे वजों एक सिमरना दिता। वो सिमरना उत्थे सुभायमान है, सिमरने नूं वो भूमि आखदे ने, भूमि नानका, नानक दा बख्शिया होया सिमरना। ते उत्थी स्थान बनिया ते उत्थी शहर वस गया। एक होर गल इंपॉर्टेंट मेरी जिहड़ी माड़ी मोटी खोज है उहदे च एक गल सामने आई कि 1520-1520 दे दरम्यान गुरु नानक पातशाह रोम भी जाते हैं, वैटीकन विजिट करते हैं, और वैटीकन के 10वें पोप लियो दे नाल संवाद रचाते हैं। और उस संवाद का जिहड़ा विशा है वह ये है कि गुरु साहब पोप नूं आखते हैं कि ये जिहड़ी मनुख की गुलामी की प्रथा जिहड़ी हैगी है, जिहड़ा तुसी स्लेव बना बना के रखते हो, इन्हां नूं लिबरेट करना चाहिदा, ते चर्च नूं अगे आना चाहिदा कि ये ग्रामीण दी जिहड़ी प्रथा ये खत्म कीती जाए। जिहड़ी एंशियंट रोमन डायलैक्ट है उहदे च ये मीटिंग जिहड़ी हैगी है ये रिकॉर्डड हैगा, जिहड़ा आर्काइवल रिकॉर्ड हैगा वैटीकन दा। उहदे च फुटनेट च भी लिखिया सेंट नानक वॉज अकंपनड accompanied by an accomplished musician Mardana। और एक डिक्री होंदी हैगी है पोप, पोप इशूज ए डिक्री टू ऑल द कार्डिनल्स कि जिहड़ियां गल्लां सेंट नानक ने हाईलाइट कीतियां ने उहदे बारे सारी क्रिश्चैनिटी दे जिहड़े पैरोकार ने उहनां नूं अवगत कराया जाए, ते इह जिहड़ी गुलामी दी प्रथा उहनूं खत्म कीता जाए। फिर देखो तुसी यरूशलम विच भी जिक्र है गुरु नानक पातशाह दा। ये दो जिहड़ियां मैं विजिट्स दी गल कीती है ये साडियां उदासियां च इन्हां दा जिक्र नहीं है। अज जदों असी देखो क्रिश्चैनिटी वालियां दा ये इंट्रस्ट हो सकता है कि उन्होंने ये गल उठन नहीं दिती कि उन्हां दे वास्ते तां इंडियन सेंट सी ना गुरु नानक, जिन्हें जाके गुलामी दी उस प्रथा नू चैलेंज किया, उत्थे जाके उन्होंने कहा भी तुहानू जाके इस ये मनुख की गुलामी की प्रथा जिहड़ी इहनू खत्म करना चाहिए। उन्होंने इस गल नू ना प्रमाणित होण दिता ना दुनिया विच इस गल नू स्वीकारे जाण दिता हैगा, बट इट्स ए फैक्ट। साडी खुदोखताबत भी उन्होंने नाल चल रही है, उन्होंने आर्काइवल रिकॉर्ड के सारे इंदराज जिहड़े ने मिलते हैं। मेरी बेनती सारे विद्वान विद्वानां नूं है, मैं यूनिवर्सिटियां नूं भी चिट्ठियां भी लिखियां, श्रोमणी कमेटी नूं 1 साल तो खतो खिताबत कर रहे हैं,
हले भागां वाला वो दिन आया नहीं जिस दिन गोबिंद सिंह लौंगोवाल का मेरी चिट्ठी का जवाब आवे जां मैनूं समा देण। मैं उन्होंने कहा सी कि समा दिओ, मैं सारे सबूत तुहाडे सामने पेश करांगा। तुसीं एक कमेटी बना के भेजो ना, भूमि नानका जावे उत्थे जाके विजिट करे, उन्हां लोकां नूं मिले, ते आपां उन्हां दी या पंजवीं उदासी स्थापित करिए या जिहड़ियां पहलियां उदासियां ने उन्हां दे विच ए एंट्रीज आउणियां चाहीदियां ने। इह किड्डी वड्डी गल होएगी संसारक पद्धर ते इफ वी आर एबल टू इस्टैबलिश दैट गुरु नानक पातशाह ऑलसो विजिटड रोम एंड हैड डिटेल इंटरैक्टिव सैशन विद द 10th पोप लियो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल द कार्डिनल्स ऑफ द पोप। सारे कार्डिनल्स प्रेजेंट सीगे। किड्डी इंपॉर्टेंट वो गोष्ठी होएगी गुरु नानक पातशाह की। कल्ली सिद्धा नाल गोष्ठी नहीं की थी, मक्के मदीने भी गए और जिथे जिथे विचार हो सकता सी उन्होंने उत्थे उत्थे जाके विचार किया, लोगों नूं जगाउण दी कोशिश की थी। इन्ना लम्मा सफर संसार का उन्होंने पैदल किया। मेरी बेनती यह है कि साडे वास्ते ये सब तो वध जरूरी है कि एक साल मैं संत महाराज नूं इस गल की मुबारक देवांगा कि गोष्ठी का आरंभ जिहड़ा हैगा, गोष्ठियां दे सफर का आरंभ जा उस परंपरा का ये यूनिवर्सिटियां तो पहला करन दी पहल जिहड़ी हैगी आ जवद्दी टकसाल ने कीती आ, तुसीं मुबारक दे मुस्तक हो। मैं समझदा गोष्ठियां होनियां चाहीदियां ने, संगतां दे नाल बिठा के दो दो तीन तीन चार चार घंटे विचारां होनियां चाहीदियां ने कि शब्द दा रोल की आ साडी जिंदगी च, शब्द है कि असी तां हले गुरु नानक साहब ने तो कोई कसर नहीं छड्डी ये समझाउण विच भई शब्द है कि एक शब्द मेरे प्राण बस्त है बहुत जन्म नावां, ते नाल ही उह फिर शब्द की परिभाषा भी दिंदे ने, शब्द का डिसिपलिन भी दिंदे ने भई औखा किन्ना यह काम, शब्द नूं समझना कोई सौखा काम तो है नहीं, ते जिहड़ा समझ गया ते फिर उहनूं दुनिया च उहदी तलाश मुक जाएगी। सिख मत जस्ट सी, तुसीं एक एक लाइन गुरु महाराज की पढ़ो, सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी है, मंदिर छावां तेरे तुझ बिन अवर ना जाना, मेरे साहिबा गुण गावां नित तेरे, जिया जंत सब सरण तिहारी सर्ब चिंत तुद पासे, जो तुद पावे सोई चंगा एक नानक की अरदास। सी द डेडिकेशन, एब्सोल्यूट डेडिकेशन। डेडिकेशन उस पारब्रह्म दे नाल और शब्द नू सिख मत नू जोड़िया है। सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी, ये उसकी उस महाशक्ति की इनकारनेशन है। ते एक एक शब्द विच एक एक तुक विच गुरु महाराज अपनी सारी जिंदगी बयान करते चले गए शब्द की उस्ती विच। लेकिन असी 400 सालों विच भी उस शब्द दी समर्था, शब्द की स्पिरिट जिहड़ी है उसनू परिभाषित करन और समझन विच किते ना किते कॉन्शियस लैवल ते या अनकॉन्शियस लैवल ते, मैं तो यही कहांगा कि अनकॉन्शियस लैवल ते अचेत तौर ते सातों कुताइयां हुंदियां रहियां, ते अज असी उस मोड़ ते आके खड़ गए जिथे हुण होर कुताई हो नहीं सकती। एडा वड्डा शब्द नू, शब्द गुरु नू, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नू, गुरु नानक पातशाह दी शताब्दी 550 सालां दे वरे च एडा वड्डा चैलेंज है कि शब्द नू मनन वालियां नू हुण जागना ही पएगा और अपनी सुरती नू शब्द नाल जोड़ना ही पएगा। बचेगा वो जेड़ा शब्द नाल जुड़ेगा, गुरु नानक दा वो जेड़ा शब्द नाल जुड़ेगा, जेड़ा शब्द दी पद्धति ते चलेगा, जेड़ा उस कतार ते आएगा, जेड़ा शब्द नू पिट करेगा वो
फिर गुरु नानक महाराज की जिहड़ी कृपा है उसका पात्र नहीं बन सकेगा। इसलिए विषय ऐसा है, उससे बहुत कुछ होर किया जा सकता है। बड़े साढ़े वड़े विद्वान बैठे ने जिन्होंने अपने पेपर पढ़ने ने, ते मैं तो आप सब नू यही बेनती करांगा अपने घरां विच पहला तो आप समझो कि शब्द है कि जपजी साहब नू ही समझो। एक फैसला कर लो कि हर सिख परिवार जिहड़ा हैगा एक साल च जपजी साहब नू समझण दी कोशिश करे। जे नहीं समझ आउंदा तो जिहड़ा समझा सकदा उसके कोल चले जाओ भी जी आह पौड़ी समझा दिओ। गुरु नानक साहब ने तो मैं समझदा भी कोई कसर ही नहीं छड्डी सानू समझाउण दी, पर असी ध्यान नहीं दिता। अगम अगोचर अलख अपारा चिंता करो हमारी, अब देख लो कितना कुछ है। जल थल मैयल भरपुर लीना घट घट जोत तुम्हारी, सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी, बंदर छावां तेरे। हुण तुसी दसो भी होर गुरु नानक पातशाह की करन, तो सब कुछ जिहड़ा कैप्सूल बना के एक एक शब्द च इस सृष्टि नू दे के चले गए। हुण डी कोड तो साध संगत आपां करना जिहड़े गुरु नानक दे नाम लेवा हैगे, ये ड्यूटी तो साडियां यूनिवर्सिटियां संस्थावां दी है कि असी डी कोड करके सरल भाषा विच संगतां नू नौजवान बच्चियां नू परिवारां नू समझाइए। सो मेरी यह बेनती है जिन्हें परिवार इत्थे बैठे ने, हर परिवार हर महीने 12 महीने अपने कोल ने, इस महीने गुरु नानक पातशाह का पुरब आ रहा, एक गोष्ठी भावें 10 परिवार सद लवे अपने घर सद लो, सुखमणी साहब का पाठ करो, कोई एक बंदा बुला लो भाई जी आ शब्द की बस व्याख्या कर दो, 20-50 बंदे बुलाओ, लंगर छको, सारयां नूं बिठा लो, 12 वार गोष्ठी करो, गुरुद्वारयां विच होण, संस्थावां विच होण, शब्द की परिभाषा जिहड़ी है वह सिख सुरती नाल जोड़न का काम पूरा एक साल जे सिख कौम निठ के कर ले फिर दुनिया की कोई ताकत सानू मिटा नहीं सकती। गुरु नानक पातशाह बौड़ी करनगे, सरबत का भला होएगा और खालसा जी की चढ़दी कला होएगी। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतह।